साथियों, उदयपुर से नगर त्रिवेणी की दौड़ के लिए गोक कह दिया गया, यानी युवा प्रथम राउंड के लिए अपनी गोक की तैयारी से शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, दौड़ तो आप देख सकते हो उदयपुर सेना भर्ती रैली खेल गांव चित्रकूट नगर स्टेडियम से। दोस्तों काफ़ी दूरी पे होने के कारण मैदान में युवा दमखम दिखाते हुए नज़र कम आ रहे हैं दोस्तों, परंतु हमने जितनी भी कोशिश के साथ आपको सेना भर्ती रैली का वीडियो दिखाने के लिए आए हैं दोस्तों। उदयपुर सेना भर्ती रैली में देखते हो प्रथम बेंच का रनिंग। दोस्तों, प्रथम राउंड शुरू हो चुका है जिसमें युवाओं को लगभग 180 से 225 30 तक प्रत्येक बेंच के लिए अब ट्रैक पे उतारे जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सेना भर्ती रैली में जाने वाले युवाओं के लिए वीडियो देखना जरूरी है दोस्तों। दोस्तों, आप भी सेना भर्ती रैली में जा रहे हो तो एक बार वीडियो जरूर देखें दोस्तों। दोस्तों, उदयपुर सेना भर्ती रैली में जाने वाले युवाओं के लिए अब सेना के जनरल ड्यूटी के लिए जो पद आरक्षित है उन पर सेना भर्ती रैली में जाने वाले युवाओं के लिए कम समय दिए जाने की सूचना मिल रही है दोस्तों। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि 5 मिनट 5 सेकंड से भी अधिक समय नहीं दिया जा रहा है हमने। तो दोस्तों, आज हम इस बेंच का वीडियोस बनाते हैं, देखिए आप इस बेंच में कितना समय मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा कि कितना टाइम इस बेंच के लिए दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हो उदयपुर सेना भर्ती रिलीज का जो खेल मैदान है वहाँ पर सेना भर्ती रिलीज चल रही है दोस्तों, जिसमें काफ़ी सारे युवा अपना दमखम दिखाते हुए दोस्तों। दोस्तों, सेना भर्ती रैली का यह दूसरा राउंड पूर्ण होने की ओर अग्रसर हो रहा है प्रथम कैंडिडेट दोस्तों। तो दोस्तों, प्रथम कैंडिडेट इस दूसरे राउंड को लगभग 2 मिनट 15 सेकंड के अंदर अपना जो दूसरा राउंड क्लियर करते हुए तीसरे राउंड की ओर प्रवेश कर गया दोस्तों। तो दोस्तों, काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं वो सेना भर्ती रैली स्थल पर जाकर अपना फर्जी डॉक्यूमेंट भी लेकर सेना भर्ती रैली में आए हैं दोस्तों। उन सभी युवाओं को सेना भर्ती रैली से बाहर कर दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, आप भी सेना भर्ती रैली में जा रहे हो तो अपने ओरिजिनल दस्तावेजों के साथ सेना भर्ती रैली में आना, अन्यथा सेना भर्ती रैली के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन किया है तो भी सेना भर्ती रैली में नहीं आना दोस्तों। दोस्तों, फर्जी दस्तावेजों के साथ आने वाले युवाओं की सभी की लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें मेडिकल पास युवाओं को भी अब सेना भर्ती रैली से बाहर कर दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, सेना भर्ती रैली खेल गाँव में आप लाइव भर्ती रैली का वीडियो देख रहे हो, जिसमें अब तीसरा राउंड पूर्ण होने के लिए बंदे अपने आगे की ओर कदम बढ़ाते हुए दोस्तों, जिसमें तीसरा राउंड अपनी दमखम के साथ दिखाते हुए युवा आप देख सकते हो दोस्तों। यानी अब लगभग तीसरा राउंड प्रथम कैंडिडेट अपने तय समय के अंदर पूर्ण करने की ओर दोस्तों अग्रसित है। यह 3 मिनट 35 सेकंड के अंदर अपना तीसरा राउंड पूर्ण कर लिया और चौथा राउंड शुरू कर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये बंदा अपने कितने मिनट कितने सेकंड के अंदर तय समय में अपनी दौड़ के लिए जो प्रथम राउंड क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हुए युवा। तो दोस्तों, सेना भर्ती रैली में आने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है कि सेना के अधिकारी टाइम कितना दे रहे हैं और कितना नहीं दे रहे हैं, इसके लिए आप वीडियोस लाइव देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, सेना भर्ती रैली में अपना चौथा राउंड पूर्ण करने के लिए अब काफ़ी सारे युवा अपने तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। दोस्तों, प्रथम कैंडिडेट काफ़ी लीड के साथ अपना दमखम दिखा रहा है, जिसमें प्रथम कैंडिडेट अपना चौथा राउंड 1600 मीटर दौड़ के लिए कितने मिनट कितने सेकंड के अंदर आप देख सकते हो दौड़ तय करता है दोस्तों। यानी प्रथम कैंडिडेट अपना लक्ष्य पूर्ण करने के लिए लगभग 4 मिनट 50 सेकंड से ऊपर का टाइम लेकर 1600 मीटर रनिंग पास की है दोस्तों। अब बाकी के कैंडिडेटों को कितना समय मिलता है
यानी लगभग 15 से 20 सेकंड अधिकतम प्रथम कैंडिडेट के बाद में दिया जाता है। दोस्तों आप देख सकते हो इसमें 5 मिनट 5 सेकंड